Hey guys, welcome back with a brand new video. So guys, today I will introduce all about spring updates. So ready? तो चलिए शुरू करते हैं. हम लोग आज पहले देखने वाले हैं यहाँ पे ये बैरल. तो ये बैरल जैसे कि देख के लग रहा है कि 100 ईयर्स ओल्ड मॉक दारू की बैरल है. तो वैसे ये दारू की बैरल नहीं है, इसका काम है, ये जो बैरल्स है इसका काम है ट्रूप्स को सुपर ट्रूप्स में बूस्ट करना. तो ये सुपर ट्रूप्स को बूस्ट करता है मशीन है ये. तो इस मशीन पे आपको स्नेकी गॉब्लिन, सुपर बारबेरियन, सुपर वॉलब्रेकर, सुपर जायंट दिखने मिलेगा. लेकिन ये जितने भी ट्रूप्स हैं सुपर वाले, तो ये सुपर ट्रूप्स को एक्टिव करने के लिए आपको अलग अलग ट्रूप्स पे अलग अलग कॉस्ट का डार्क एलेक्सर का ज़रूरत होगा. और एक्टिव होते ही ये 7 दिन के लिए एक्टिव रहेगा. एंड अगर आप इसको एक्टिव कर दिए तो इसका हाउसिंग स्पेस जो है वो चेंज हुआ है किसी में, जैसे कि बारबेरियन वो मतलब हाउसिंग स्पेस 5 का हो गया, ये जायंट जो हो गया मतलब 10 हाउसिंग स्पेस का हो चुका है. ये अगर आप एक्टिव कर लेते हो तो अगर आपको कोई सामने वाला प्लेयर अगर डोनेशन पे आपसे जायंट मांगे तो तभी आप इसको डोनेट नहीं कर पाओगे जायंट को, ठीक है, क्योंकि ये सुपर जायंट में कन्वर्ट हो चुका है ऑलरेडी, इसका हाउसिंग स्पेस 10 हो चुका है. तो ये था सुपर ट्रूप्स. सो सुपर ट्रूप्स का गेम प्ले मैं वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ. तो पहले हम लोग चलते हैं गेम पे, क्या क्या चेंजेस आया है एंड और क्या क्या अपग्रेड होने वाला है, क्या क्या नया आया है. तो चलिए देखते हैं. पहला तो ये जो बेस का डेकोरेशन है तो फुल्ली चेंज हो चुका है, बहुत ही यूनिक प्यारा सा लग रहा है. और फॉरेस्ट भी दिखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है पहले से. एंड जितने भी पुराने प्लेयर हैं उनको पता है कि यहाँ पे जो सावर है, ये सावर पहले भी था. तो सुपर सेल क्लैश ऑफ क्लैंस गेम वालों ने फिर से दोबारा इसको इंट्रोड्यूस किया है, हमारे साथ प्रेजेंट किया है. तो दिखने में काफ़ी यूनिक लग रहा है, ये एक सावर की तरह बह रहा है झंडा, तो नदी है. और देख लेते हैं अब हम लोगों का जो लैब है, लेबोरेटरी पे क्या क्या ट्रूप्स अपग्रेड होने वाला है. तो आप बहुत लोग जान चुके होंगे कि क्या क्या अपग्रेड आने वाला है. तो फिलहाल मैं एक बार अपना लेबोरेटरी चेक कर लेता हूँ, कहाँ गया मेरा लेबोरेटरी. यह है मेरा लेबोरेटरी. तो ऑलरेडी मैंने बारबेरियन को मैक्स पे लगाने के लिए बिठा दिया. और यहाँ पे स्निकी गॉब्लिन गॉब्लिन नहीं है, नॉर्मल गॉब्लिन है. तो गॉब्लिन भी मैक्स करना पड़ेगा और एक लेवल आगे जाएगा. एंड पॉइजन स्पेल भी आगे जाएगा और मिनियन भी आगे जाएगा और वल्गरी भी और एक लेवल ऊपर जाने वाला है, ठीक है. तो ये था लैब के लिए. अब देखते हैं हमारे बिल्डिंग का. तो बहुत लोगों को तो पता है कि टाउन हॉल 13 पे ये जो आर्चर टावर है, आर्चर टावर लेवल 18 का होने वाला है. और साथ में मोटर भी अपग्रेड होने वाला है, लेवल 13 तक जाने वाला है. और यहाँ पे बॉम्ब टावर लेवल 8 तक जाने वाला है. और कुछ तो है हाँ. और ये है जो गोल्ड माइन भी और एक लेवल आगे जाएगा, तो मैक्स करने के लिए 14 लेवल होगा. और साथ में यहाँ पे एलेक्सर कलेक्टर भी अपग्रेड होने वाला है, ठीक है. ये तो अपग्रेड का बात कर लिए हम लोगों ने. और यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं सीधा बिल्डर बेस पे. बिल्डर बेस पे क्या क्या चेंजेस आया है, कुछ चेंजेस दिखने में नहीं आया. लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल जो हम लोग अटैक करते हैं, अटैक करने से पहले क्या होता था, ट्रूप्स को ट्रेन करने के लिए टाइम लगाया जाता था. लेकिन आज हम लोग चेक करने वाले हैं अभी गेम में वो सब टाइम है जो कि नहीं, वो देख लेते हैं. तो आई थिंक टाइम नहीं है, क्योंकि सुपर सेल वालों ने पहले ही बता दिया था कि ये जो अपडेट आने वाला है, इस अपडेट के दौरान जितने भी ट्रूप्स है आपका, अगर सारे के सारे ट्रूप्स यूज़ करते हो और अपना हीरोज़ भी यूज़ करते हो, ठीक है, तो हीरोज़ का अगर डेड हो जाता है और सारे ट्रूप्स जो है ट्रेन करने के लिए टाइम लगाया जाता है. लेकिन आज का डेट में ये अपडेट के बाद ये सीन नहीं रहेगा. तो जितने भी क्लैश ऑफ क्लैंस के प्लेयर हैं तो बिल्डर बेस पे टाइम का जो इशू था वो इशू नहीं रहेगा. अब हीरोज़ भी रीजनरेट नहीं होगा और आप बिंदास खेल सकते हो. फटाफट आओ, बैटल करो, फिर हारो या जीतो, मतलब ये जो बैटल होता है, अगर आप विन करोगे तभी जाके आपको आपका रिसोर्स मिलेगा, अगर वो एक्टिव है तो टाइम पे अंदर, अगर नहीं है तो रिसोर्स नहीं मिलने वाला, ठीक है. तो फिलहाल देख रहे हो मेरा सारे के सारे ट्रूप्स मर चुका है एंड हीरोज़ भी डाई हो चुका है. तो हम लोग चलते हैं अपना रिटर्न होम पे, देखते हैं क्या हुआ है. तो यहाँ पे हम लोग होम पे आ चुके हैं. यहाँ पे मेरा बैटल मशीन पूरा फुल एबिलिटी मतलब हेल्थ के साथ है और ट्रूप्स भी तैयार है, इंस्टेंट तैयार रहता है ट्रूप्स. तो ये था बिल्डर बेस पे चेंजेस, ठीक है. और हम लोग अब बात करने वाले हैं ये जो टाउन हॉल 9 है, टाउन हॉल 9 के लिए, टाउन हॉल 9 पे एक और एक लेवल फ्रेज का अपग्रेड आया है.
और फ्रिज का और एक लेवल आप कर सकते हो, पहले जितना था अगर लगता है पहले शायद 2 लेवल का था तो अभी शायद 3 लेवल का हो जाएगा। और टाउन हॉल 9 पे और एक डार्क टील को परचेस कर सकते हो। और ये था टाउन हॉल 9 के लिए। एंड मेन इम्पॉर्टेंट जो बात है, ये जो सुपर ट्रूप्स है ये काफ़ी यूनिक है और इसका गेम प्ले भी दिखाने वाला हूँ और बहुत ही पावरफुल है। और ये जो सुपर ट्रूप्स है ये केवल सिर्फ टाउन हॉल 11 एंड 12 13 को यूज़ करने का मौका दिया गया है। ये जो बैरल है सिर्फ टाउन हॉल 11 से 12 13 को मिलता है, और 11 पे भी मिलता है, 12 पे भी मिलता है, 13 पे नहीं मिलता है। लेकिन 10 9 8 जितने भी लॉयल है प्लेयर तो उनको थोड़ा डीमोटिवेट होगा कि भाई हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, सो डोंट वरी। और अगर आपका आपको ये ट्रूप्स यूज़ करना है तो मतलब श्योर हूँ कि इस ट्रूप को आप अपना CC पे डोनेट लेके यूज़ कर सकते हो, टाउन हॉल 7 8 9 10 वाले जितने भी प्लेयर हैं। तो ये था असल इसका रहस्य। अब हम लोग इसे यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे सुपर जेंट को ऑलरेडी एक्टिव कर लिया है और मैंने यहाँ पे सुपर जेंट को लगा के भी रखा, और मैं सुपर जेंट से एक लीजेंड पे अटैक करके भी दिखाने वाला हूँ। तो फाइल है, हम लोग इसका टेस्ट लेते हैं, ठीक है, ये ट्रूप्स कैसा है। तो मुझे तो भाई सुपर जेंट बहुत ही मज़ा आया। तो सुपर जेंट को एक्टिव करने के लिए 60,000 डार्क लेजर का ज़रूरत पड़ता है। एंड पहले हम लोग फटाफट ट्राई में जाते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं। एंड यहाँ पे एक टाउन हॉल 12 का बेस आ चुका है और सारे के सारे मैक्स डिफेंस है टाउन हॉल 12 का। तो इस बेस पे अटैक करना है तो चलिए हम लोग इस बेस पे अटैक करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ जायंट डिप्लॉय किया हूँ और यहाँ से एक रेज और यहाँ से कुछ जायंट यूज़ करने वाला हूँ। तो पता नहीं, देखते हैं क्या होता है मेरे साथ आज। आई थिंक अटैक बहुत ही मस्त रहेगा और आप देख सकते हो इसका डैमेज पावर बहुत ही तगड़ा है और बहुत ही मज़ेदार ट्रूप्स है। और मेरे पास अभी भी एक फ्री स्पेल बचा हुआ है, दो हील बचा हुआ है। यहाँ पे मैं एक हील डालने वाला हूँ और यहाँ पे हील डाल दिया और एक रेस स्पेल बचा हुआ है अभी भी मेरे पास। इस बेस पे ना पंचायती ये है कि पहले के सारे डिफेंस को पहले तोड़ेगा, फिर जाके टाउन हॉल को तोड़ने जाता है। तो मैंने क्या किया, टाइम यहाँ पे टाइम इशू नहीं है, प्रैक्टिस मोड है, आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने अभी भी 3 जायंट को बचा के रख लिया और यहाँ पे क्या करते हैं, और एक रेस पेल डालते हैं एंड यहाँ पे और एक हील डाल देते हैं। और मेरे पास अभी भी और 3 जायंट है तो मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ तीनों के तीनों जायंट। एंड पता नहीं ये 3 स्टार होगा कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपना ट्राई कर रहा हूँ कि 3 स्टार हो जाए। यहाँ पे टाउन हॉल एक्टिवेट हो चुका है एंड मतलब क्लियर अप करने के लिए कोई अदर ट्रूप्स तो नहीं है, ये मतलब टेस्ट के लिए, ट्रायल के लिए। तो यहाँ पे अब सारे के सारे ट्रूप्स टाउन हॉल पे जाएगा एंड टाउन हॉल को तोड़ने के बाद सारे के सारे जायंट चला जाएगा क्वीन के ऊपर और यहाँ से जितने भी जायंट है ये किंग को टेक डाउन करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है। सारे के सारे जायंट किंग को टेक डाउन किया, फिर कुछ जायंट जा रहा है अभी क्वीन को टेकआउट करता है, लेकिन अभी ये कहाँ जाने वाला है, ये बैरक पे जा रहा है, क्लियर अप कर रहा है। तो अब देख सकते हो बहुत ही पावरफुल ट्रूप है, यहाँ पे कोई टाइमिंग का इशू नहीं है, आप प्रैक्टिस मोड है, ये प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये 3 स्टार है क्योंकि सारे के सारे डिफेंस क्लियर हो चुका है। तो टाइम का तो पता नहीं कितना टाइम हो गया, चलो इसे एंड बैटल करते हैं, ठीक है, इसे एंड बैटल कर लिए। अब रिटर्न होम और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सुपर वॉलब्रेकर। सुपर जो वॉलब्रेकर है ये हाउसिंग स्पेड 8 में बदलने वाला है और बहुत ही यूज़ है। एंड लेकिन ये जो सुपर वॉलब्रेकर है इसका यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। वहाँ पे अगर आप चाहो तो हाउसिंग स्पेस 2 का होता है नॉर्मल वॉलब्रेकर, अगर टाउन हॉल 13 पे हो तो आपको एटलीस्ट 6 से 7 वॉलब्रेकर लेके जाना पड़ता है, तो 14 का हाउसिंग स्पेस मतलब खाता है। लेकिन ये जो है अगर इसे एक्टिव कर लोगे तो इसका हाउसिंग स्पेस 8 है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद तो नहीं है, लेकिन ये एक वॉलब्रेकर और जितने भी लेवल का हो चाहे वॉल उसे एक बार में ही तोड़ देता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ट्राई करके दिखा देते हैं इसका असल कहानी ये है। असल में ये कोई भी लेवल का वॉल को एक चांस पे ही तोड़ देता है, ठीक है, ये देखो टूटा ना। तो ये था असली एबिलिटीज़ का और मुझे नहीं लगता ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा वार या फिर मतलब गेम के लिए, क्योंकि इसी ट्रूप्स को अब एक्टिवेट करने के लिए 7 दिन लग मतलब 7 दिन के लिए रहेगा
और ये बहुत मज़ेदार नहीं लगा मुझे। अगर आपको पसंद आता है तो गेम प्ले बनाओ और मुझे अपना क्लाइंट में बुला के इनवाइट करो, मैं आपको आपका भी वीडियो दिखाने वाला हूँ अगर 3 स्टार अटक करते हो तो। और मुझे ये बहुत पसंद आया, ये है बारबेरियन, एंड ये बारबेरियन बहुत ही तगड़ा है और मैंने पहले भी इस बारबेरियन से 3 स्टार निकाला, अब पता नहीं क्या होगा। और अभी हम लोग ट्राई करते हैं इस बारबेरियन से 3 स्टार करने के लिए। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे एक जंप स्पेल डालेंगे एंड यहाँ पे एक हीलिंग स्पेल डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सामने पे था दो दो विज़र्ड टावर। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से जा रहे सब सही जा रहा। और यहाँ पे कुछ पता नहीं, यहाँ पे एक जंप डालते हैं, शायद जंप गलत डाल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जा रहा है, सही जा रहा है सब। यहाँ पे और एक हिल डालते हैं और यहाँ से मैं डाल देता हूँ अपना बारबेरियन को, और यहाँ पे एक, तो बहुत ही मस्त है। लेकिन यहाँ से मुझे बहुत डैमेज दे रहा है ये, आई थिंक मैंने ये बारबेरियन का यूज़ बहुत रॉन्ग साइड से किया, वरना ये 3 स्टार था अगर मैं आर्टिलरी की तरफ से किया होता, और मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तो फ़िलहाल ये और कुछ नहीं हो सकता, मैं इसे सरेंडर करता हूँ। ठीक है, सरेंडर कर दिया और रिटर्न होम हो चुका हूँ। और ये था मेरा आपका सभी का सुपर बारबेरियन, तो आप डेफिनेटली ट्राई करना इसे। एंड सुपर गॉब्लिन भी बहुत मज़ेदार है, आई थिंक सुपर गॉब्लिन से मैंने 3 स्टार निकाला था, याद नहीं है, मैंने बहुत मतलब जितने भी ट्रूप्स हैं सुपर ट्रूप्स सभी को यूज़ कर लिया मैंने। तो यहाँ पे पहले हमारा बारबेरियन जाएगा और यहाँ से भी बारबेरियन मतलब गॉब्लिन, देखते हैं क्या होता है। सारे के सारे गॉब्लिन डाल दिए, यहाँ पे एक क्लोन डालते हैं, यहाँ पे एक रेज स्पेल, साथ में यहाँ पे एक जंप स्पेल। ठीक है, जंप डाल दिया, लेकिन 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 यहाँ पे इशू एक है कि सीधा ये जा रहा है टाउन हॉल पे, और टाउन हॉल एक्टिव हो चुका है, ये गॉब्लिन पूरा रिटर्न किया है। अब और क्या बचा है, तो गॉब्लिन भी मज़ा नहीं है, लेकिन गॉब्लिन ये सुपर गॉब्लिन लूट करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, अगर आप चाहो तो लूट कर सकते हो। मैं इसे भी सरेंडर करता हूँ करके रिटर्न होम। अब हम लोग चलते हैं सीधा सुपर जायंट से अटैक करने वाले हैं, वो भी लीजेंड लिख पे, और फिलहाल मेरा पास किंग नहीं है। एंड मैं पार्ट बाय पार्ट हर एक सुपर ट्रूप्स का बेस्ट से बेस्ट अटैक स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फटाफट अभी वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, और हाँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्रैक्टिस मोड पे और दो लेआउट, मतलब दो लेआउट आ चुका है प्रैक्टिस करने के लिए, ये दो नया है। एंड पिकस एती और साथ में हीलर का एक आया है कॉम्बिनेशन, और एक हाइब्रिड अटैक है यहाँ पे। तो बस ये है, दो नया ऐड हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मेरा एक दोस्त आया है, उसे थोड़ा फ्रेंडली चैलेंज देके मज़ा करता हूँ। अब हम चलते हैं सीधा लाइव लीजेंड अटैक पे। तो मैं क्या कह रहा था कि दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, एंड मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँगा। और जितने भी सुपर ट्रूप्स है सभी का स्पेशल एक अटैक स्ट्रेटजी बना के आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, तो सपोर्ट कर देना। एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम लोग क्या करने वाले इस बेस पे 3 स्टार निकालने के लिए, मुझे नहीं लगता कि 3 स्टार हो पाएगा। तो ये है पुराना वाला आर्मी जो कि टाउन हॉल 11 पे बहुत चलता था, एंड इसे कहता है जाइंट बॉलर विच। तो यहाँ पे मैं अपना क्वीन, यहाँ पे वार्डन, एंड साथ में यहाँ पे डाल देते हैं अपना रॉयल चैम्पियन, और यहाँ पे एक हीलिंग स्पेल, साथ में यहाँ पे एक रेस स्पेल। देखो भाई ये क्या होने वाला है, गजब हो रहा, पता नहीं क्या होने वाला। अब अपना वार्डन कहाँ जा रहा भाई, बहुत ही धोखाधड़ी कर दिया ये वार्डन ने। चलो यहाँ पे और एक हील डालते हैं, एंड यहाँ पे और एक रेस स्पेल। तो यहाँ पे मेरा ट्रूप्स आ चुका है, यहाँ पे डाल देते हैं अपना रेज, और साथ में यहाँ पे डालते हैं अपना पॉइजन स्पेल। और सीसी पे मेरा एती था, और क्या हुआ, सुपर ट्रूप्स बहुत ही अच्छा था, लेकिन मेरा हीरोज़ अंदर नहीं गया, वरना ये 3 स्टार हो जाता आसानी से। बहुत ही तगड़ा था ये आर्मी कॉम्बिनेशन भी, लेकिन ये 3 स्टार अटैक नहीं था। और मैं आप लोगों के साथ अच्छा से अच्छा 3 स्टार अटैक शेयर करने वाला हूँ और स्ट्रेटजी बना के। तो फ़िलहाल
ये 63% कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे एक मिलियन काम कर रहे हैं, 64% ऑल डन, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता, 64%। तो दोस्तों वीडियो आज यही समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग थोड़ा सा सबर करो। और मैं थोड़ा मुसीबत में अपना शहर से बाहर गांव में आके शिफ्ट हुआ था कोरोना से पहले, तो इसी कारण से मैं यहाँ पे बहुत मुसीबत में हूँ एंड रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे रह के मुझे बहुत दिक्कतें झेलना पड़ रहा है और यहाँ पर रहने से मुझे इंटरनेट स्पीड मतलब लो डाउन हो चुका है, तो बहुत इशू है। तो कोई बात नहीं, सपोर्ट करते रहना, लव यू गाइस, बाय।